बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, चेयरमैन पीडीएम, मुअज़्ज़ज़ कायदीन कराम, कराची के मेरे बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कराची पाकिस्तान का दिल है और यहाँ पूरे पाकिस्तान के यानी हर कौमियत के लोग रहाइश पज़ीर हैं और ये मिनी पाकिस्तान है। क्या आपको मालूम है कराची वालों, आपको मालूम है कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान पर और कराची पर क्या गुजरी? एक अच्छे भरे खुशहाल पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने के लिए 2018 के इंतखाबात में धांधली की शक्ल में एक साजिश रचाई गई और जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो बर्बादी आप देख रहे हैं, ये उसी साजिश का नतीजा है। और अगर ये साजिश ना होती तो आज पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ खुशहाली की मंजिलें तय कर रहा होता और आपकी दहलीज पर खुशहाली दस्तक दे रही होती। आपको आज अपने बाल बच्चों का पेट पालने की फिक्र ना होती क्योंकि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजगार होता, समाजी और मुआशी इंसाफ होता, इज्जत और खुद मुख्तारी होती और आपको ये आटे दाल चीनी के लिए कतारों में ना लगना पड़ता। ये मेरे कराची के दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, ये इसलिए हुआ कि आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने के लिए पनामा जैसे ड्रामे रचाए गए और अदालतों से जबरदस्ती मनपसंद फैसले लिए गए, बल्कि फैसले दिलवाए गए। नवाज शरीफ को, उसके साथियों को और खास तौर पे मुझे और मरियम नवाज शरीफ को 150 से ज्यादा अदालती पेशियां भुगतनी पड़ी। यहाँ शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं, यहाँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बैठे हुए हैं और दीगर भी हमारे दोस्त बैठे हैं जिन्होंने भी जिन पे भी नाजायज मुकदमे बनाए गए, रोज अदालतों में वो पेशियां भुगतते हैं। और फिर हमें, मुझे नैब पर दबाव डालकर 10 साल की नाजायज सजा दिलवाई गई, मरियम को 7 साल की सजा दिलवाई गई और जज ने लिखा कि कोई करप्शन नहीं है, बस सजा देनी है, दे दी है, सजा दिलवानी थी लिख दिया है और हम सबको कैदोबंद में धकेला गया। हमारी पार्टी के रहनुमाओं को, शहबाज शरीफ साहब को, हमारे बच्चों तक को और पार्टी के हमारे बाय एंड लार्ज बड़े छोटों को कैदोबंद में धकेला गया। जस्टिस शौकत सदीकी को कहा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की सजाएं बरकरार रखो वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाय हो जाएगी। क्या आप ये सवाल नहीं पूछना चाहेंगे कि ये अल्फाज किसने कहे? आप पूछना चाहते हैं या नहीं पूछना चाहते कि किसने ये अल्फाज कहे और कौन सी 2 साल की मेहनत जाय होने का अंदेशा था?
ये मेरे मोहतरम दोस्तों को ही लोग हैं जो वोट चोरी करके इमरान खान को लेकर आए हैं और 22 करोड़ अवाम के सर पर उसको मुसल्लत कर दिया है। ये वही लोग हैं और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है और आज भी हो रहा है और हम खामोश हैं। फिर हम रोना रोते हैं कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता, मुल्क क्यों पस्ती की तरफ जा रहा है, मुल्क क्यों और नीचे धंसता जा रहा है, गरीब को रोटी क्यों नहीं मिलती, आटा दाल चीनी क्यों महंगी हो गई, दवाइयां क्यों पहुंच से बाहर हो गई है, बिजली के बिलों ने तो कमर तोड़ कर रख दिए। पूछा कभी आपने पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार क्यों हो गया है, कहां गई वो सब्ज पासपोर्ट की इज्जत, कहां गई वो सब्ज परचम की इज्जत। दुनिया का एक लीडर फोन नहीं करता और दुनिया का दूसरा लीडर सुनता नहीं। मुआशरे में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, गरीब बेचारा धक्के खाता है। 22 करोड़ अवाम में, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में 21 करोड़ गरीब हैं और चंद लाख लोग पाकिस्तान के वसाइल पे भी काबिज हैं और पाकिस्तान की जमीनों के भी मालिक बने हुए हैं। सरकारी खजानों से बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, मुरात लेते हैं, जिंदगी भर पेंशनें लेते हैं और सरकारी प्लॉट और परमिट लेते हैं तकरीबन मुफ्त। लेकिन 21 करोड़ अवाम को पूछने वाला कोई नहीं। उनके बच्चों के मुंह से अब तो रोटी का नवाला भी छिनता चला जा रहा है। घर में बीमारी आ जाए तो इलाज के लिए पैसे नहीं होते, जायदाद बेचकर गिरवी रखकर इलाज करवाना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ मुराद याफ्ता तबके को देखें आप कि इलाज मुआलजे के लिए सरगानी खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये चंद लाख लोग आपके खून पसीने की कमाई, जिससे ये उस मुल्क ने वसाइल बनाए हैं, ये सब उस पे काबिज है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद पाकिस्तान इसी तबके के लिए बनाया गया था, ताकि ये ऐश करें और 21 करोड़ अवाम धक्के खाएं। अब तो ऐसा महसूस होता है, मैं सुनता हूं कभी कभी ये तराना सा जो लगता है कि ये वतन तुम्हारा है, हम तो इसमें हैं खामखा। यानी है चंद लाख लोगों, ये वतन तुम्हारा है, बाकी 21 करोड़ हैं खामखा इसमें। हजूर, ये हैं हमारे जवाल के असबाब, ये है नतीजा जमहूरियत पर शब खून मारने का और ये है नतीजा वोट चोरी करके इमरान खान को 22 करोड़ अवाम के सर पर बिठाने का। हम किससे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने है।
और फिर भी हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या मुझे बताएं आप कराची के मेरे भाइयों बहनों, क्या आरटीएस बंद नहीं किया गया था? क्या पीडीएम की जमातों का वोट चोरी करके इमरान खान के बक्से में नहीं डाला गया? क्या पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके इमरान खान को नहीं जितवाया गया? अब तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि किस तरह इस मुंतखब वजीर आजम को, यानी इस नाचीज को साजिश के जरिए निकाला गया। उस नाचीज को जिसने 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए और मुल्क में लोड शेडिंग खत्म की, जो गैस लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने कराची की रोशनियों को बहाल किया, कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए, जो कराची के अंदर ग्रीन लाइन बना रहा था, जिसने कराची में पीने के साफ पानी के मंसूबे शुरू किए और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए मुख्तस किए, जिसने कराची में दहशतगर्दी खत्म करके कराची की रौनकों को बहाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं, आपकी आंखों के सामने सारा कुछ हुआ है और अल्लाह के फजलो करम से मुल्क में जिसने मुआशी तरक्की की और मुआशी तरक्की की रफ्तार को 5.8 पर ले गया, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने चित्राल से कराची और गवादर तक मोटरवेज और हाईवेज के जाल बिछाए, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही थी, पाकिस्तान में सी पैक के मंसूबे लग रहे थे, पाकिस्तान का रुपया आप जानते हैं, रुपया जो कि उस वक्त बड़ा मजबूत था, उस वक्त 104 रुपए था, 104 से बढ़ के आज 165 से भी ज्यादा हो गया है। लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रोजगार मिल रहा था। इस हुकूमत ने तो 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया और हमारे जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह गुर्बत खत्म हो रही थी, तेजी के साथ कम हो रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला हमने। महंगाई की शरह 40 साल की कमतरीन सतह पर थी, लेकिन कोई कब तक अवाम के साथ होने वाली इन ज्यादतियों को बर्दाश्त कर सकता है? कब तक? जो कुछ हो रहा है, कोई कब तक उस पे खामोश रह सकता है? कोई कब तक जुल्म सह सकता है? कोई कब तक पाकिस्तान के साथ होने वाले इस खलवाड़ को बर्दाश्त कर सकता है? आज जिनका काम सियासत करना नहीं, वो सियासत कर रहे हैं। जिनका काम मुल्क चलाना नहीं, वो हुकूमतें बना रहे हैं और हुकूमतें गिरा रहे हैं। अंदाजा कीजिए, फिर कहते हैं पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ता, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता, पाकिस्तान क्यों बैठता जा रहा है। कराची के भाइयों और बहनों, आज के हालात में खामोशी जुर्म है। मैं और आप सब अपने रब के हजूर जवाबदेह हैं कि जब पाकिस्तान पर यह कड़ा वक्त आया, हम खामोश क्यों रहे? चंद जर्नैलों ने पूरे निजाम इंसाफ को यरगमाल बना लिया।
हम खामोश क्यों रहे? चंद लोगों ने पूरे निजाम को सेबोटाज करके रख दिया, हम खामोश क्यों रहे? इंसाफ पसंद और गॉड फेयरिंग जजों के खिलाफ मंसूबे बनते रहे, तो हम खामोश क्यों रहे? जाली मुकदमात में बेगुनाहों को सजाएं दिलवाई गई, हम क्यों खामोश रहे? आपका वोट चोरी हो गया, हम खामोश क्यों रहे? आरटीएस बंद कराया गया, आरटीएस बंद करवाया गया, हम खामोश क्यों रहे? और रियासत के ऊपर रियासत बनाई गई, हम खामोश क्यों रहे? अवाम का चूल्हा बुझ गया, गरीब की रोटी चली गई, आटे के लिए लाइनों में लग गए, गरीब की पूंजी लुट गई, हम खामोश क्यों रहे? महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी आसमान से बातें करती रही, इतनी ज्यादा हो गई कि आसमान को छू गई, हम खामोश क्यों रहे? मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, चाहे आप जलसे में मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं या आप YouTube पे सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा तो टेलीविजन पे आना इन्होंने बंद कर दिया है, इनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मैं सच बोलता हूं, मैं हक बात करता हूं, तो लिहाजा उनके अंदर मेरी बातें सुनने का हौसला नहीं है, इसलिए मेरी आवाज टीवी पर इन्होंने बंद की हुई है। एक वो शख्स जो 3 मरतबा मुल्क का वजीर आजम रह चुका हो, उसकी आवाज भी बंद कर दी है इन्होंने, लेकिन ऐसे बंद होगी नहीं, वो अपनी खुशफहमी में है। मेरी बात अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अवाम के घर घर में पहुंच रही है, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में और पहुंचेगी। तो आपको फैसला करना है कि आप हक के साथ खड़े रहने वालों के साथ शामिल होना चाहते हैं या फिर खामोश रहने वालों के साथ या फिर डरने वालों के साथ। आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों में खड़े होना चाहते हैं या फिर जुल्म सहने वालों के साथ, ये फैसला आपको करना होगा। अल्लाह को आप क्या जवाब देंगे कि आपने हक बात के लिए क्यों आवाज बुलंद नहीं की? ये सवाल आपसे मुझसे यहां भी होना है और वहां भी होना है, तो हम क्या जवाब देंगे? आज वक्त आ चुका है कि आप सब, हम सब फैसला करें कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए किस तरह का पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। मेरा ईमान है कि आप और हम सब अगर मिलकर पाकिस्तान की तकदीर को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करें, तो पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है, ताकि गरीब, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल पर काबू पाकर, यानी गुर्बत और महंगाई जैसी चीजों पे काबू पाकर 21 करोड़ लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके, और वो सब 21 करोड़ लोग भी बाइज्जत शहरी बन सकें, एक बाइज्जत शहरी की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजार सकें। ये हम सब का पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये पूरे 22 करोड़ का पाकिस्तान है, ये 21.5 करोड़ या 22.5 करोड़ का मुल्क नहीं है कि 10, 20, 30 लाख तो ऐश करें और बाकी फाका कशी करें। फैसला अब आप कर लें, क्योंकि वक्त नजदीक है,
बहुत वक्त गुजर चुका है और मजीद मजीद वक्त ज़ाया करने के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कराची के भाइयों बहनों, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।